ऐसी एक बात है जिसके लिए मुझे बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। हो सकता है मुझे हमेशा के लिए आप सबसे दूर जाना पड़े। आप इच्छा को तो माफ कर ही देते हैं, और अगर आगे चलकर उससे कोई गलती हुई तब भी आप उसे माफ कर दोगे ना? मुझे लगता है उसके खून उनके हाँ। छोरी तू कुछ बोल रही थी, बोल। असल में बात ये है कि दाजी। ना छोरी ना, कुछ बोलने की जरूरत ना है। तेरे बोलने से पहले मन अंदाजा हो गया था, जरूर तूने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया है। अब कोई कुछ नहीं कर सकता, इच्छा को हम सबसे दूर जाना ही होगा। राजी, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे कि कितने दिन हुए छोरी, कब से तूने ये बात हम सबसे छुपा के रखी है? बोल। जब से मैं इस घर में आई हूँ। तू हमें आज बता रही है? माँ सुन रही है तू? चुप कर खड़क, बात को समझने दे। अरे इसे पूछने तो दे कि इसने ऐसा क्यों किया। देख छोरी, तू जानबूझकर कोई जुर्म कर नहीं सकती, हो सकता है कोई हादसा हुआ हो। ए माँ, ये बातें बाद में होती रहेंगी, पहले इससे ये पूछ कि इसने लाश को कहाँ छुपा के रखा। क्या कहा आपने, लाश? एक मिनट, कुछ कंफ्यूजन है। पिताजी आप क्या सोच रहे हैं, इच्छा ने क्या किया है? क्या किया मतलब? अरे जो हम समझ रहे हैं वही किया इसने। क्या? या तो इच्छा ने किसी का खून किया है, या फिर इसने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया है जिसके लिए इसे जेल जाना पड़ेगा। इसीलिए तो छोरी कह रही थी कि मुझे तुम सबसे दूर जाना पड़ेगा। नहीं पिताजी। फिर क्या? अरे पिताजी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इच्छा और खून, हाँ? आपको लगता है इच्छा खून कर सकती है? मतलब इच्छा के हाथों ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है? अरे नहीं छोरी, मने तो यकीन था कि थारे हाथों से कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। चलो इच्छा, इस गेम से इतनी तो तसल्ली हुई कि तुम्हारे हाथ तो कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए तुम्हें घर वाले माफ कर देंगे। नहीं बब्बल जी, वो जिन गलतियों की बात कर रहे थे वो अलग थी। मैंने कोई गलती थोड़ी ना की है, मैंने तो अपनी सच्चाई छुपाई है घर वालों से, वो भी अपनी मर्जी से जानबूझकर छुपाई है। मुझे माफी तो किसी हाल में नहीं मिल सकती। चलो मान लिया कि वो तुम्हें माफ नहीं करेंगे और तुम्हें इस घर से भी निकाल देंगे, लेकिन इच्छा एक बात तो तय है कि वो तुम्हारे बगैर रह नहीं पाएंगे। ए, एक मिनट, क्यों ना हम इसी बात को आजमा के देख ले। मतलब इच्छा जरा सोचो कल को तुम इन सबकी जिंदगी से चली जाओ, कहीं गायब हो जाओ, तो कैसा महसूस करेंगे ये एक बार देख लेते हैं। अच्छा लेकिन बब्बल जी, इच्छा घर वालों को एहसास दिलाना जरूरी है कि तुम इन सबकी जिंदगी में क्या मायने रखती हो, और ये तब भी होगा जब तुम कुछ देर के लिए सबकी जिंदगी से गायब हो जाओ। लेकिन बब्बल जी इससे होगा क्या? अरे बहुत कुछ होगा। इच्छा समझ लो, तुमने घर वालों को अपनी सच्चाई बता दी और उन्होंने तुम्हें यहां से निकालने का फैसला किया, तब भी उनके लिए फैसला इतना आसान नहीं होगा। उन्हें पता होगा कि तुम्हारा उनकी जिंदगी में ना होना वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और शायद वो तुम्हें माफ भी कर देंगे। नागुमी देव करे ऐसा ही हो,
लेकिन बबल जी, हम ये सब करेंगे कैसे? कैसे मतलब? इच्छा, तुम्हें कुछ देर के लिए इस घर से गायब होना पड़ेगा। मैं गायब हो जाऊंगी तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे घर में ना होने के बाद घर वालों पर क्या असर होता है? इंसानी इच्छा गायब होगी, लेकिन नागिन इच्छा इस घर में रहेगी और सब कुछ देखेगी, समझी? हाँ, ये भी सही है। आजकल तो मैं भूल ही जाती हूँ कि मैं इच्छाधारी नागिन भी हूँ। चलो ठीक है, कल सुबह हम ये पैतरा आजमा कर देखेंगे। दादी, चाय। इच्छा कहाँ है? अभी तक सो रही है क्या? पता नहीं दादी, रोज तो सुबह जल्दी उठ जाती है। आज तो मैंने उसे दो दो बार आवाज दी लेकिन बाहर ही नहीं आई। कमाल, घर की दोनों बड़ी बहुएं काम कर रही और छोटी बहू अभी तक सो रही है। इच्छा, इच्छा। मम्मी, आज तो लिख कर रख लो कि मैं एग्जाम में फेल होऊंगा। क्यों? इच्छा चाची सुबह 4 बजे उठाकर मेरा रिवीजन करवाने वाली थी, अरे वो आई नहीं और मैं सोता रहा। अब क्या लिखूंगा एग्जाम में? अप्पू, जाके इच्छा बबल दोनों को बुला खिला। बोल दादी बुला रही है। दादी, मैं उनके कमरे में जाकर भी आ गया लेकिन वो है ही नहीं। कहाँ गई? दादी, दादी इच्छा। छोरा, तू सुबह सुबह कहाँ गया था और इच्छा कहाँ है? प्रणाम। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैंने आज तक आपसे एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपाए रखी जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। समझ में नहीं आ रहा किस मुंह से आपका सामना करूं, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। देखिए ना दादी, इच्छा इसे कैसे जा सकती है? ये छोरी भी ना कमाल की है, बात बात में घर छोड़कर चली जाती है। और नहीं तो क्या? अरे हद हो गई, हमारी कोई कीमत ही ना उसकी नजरों में। अरे कभी कभी तो ऐसा लागे है जैसे हमारे प्यार का वो गलत फायदा उठा रही है। नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है। फिर क्या बात है? मुझे भी इच्छा की ये बात बहुत बुरी लगी। इस तरह घर छोड़कर जाना किसी समस्या का हल है क्या? माँ जी, आप सबका गुस्सा जायज है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इच्छा कहाँ है और उसे ढूंढे कैसे? भाभी, मैं उसे ढूंढने गया था, वो जहाँ जहाँ जा सकती थी हर जगह जाके देखा मैंने, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मैंने उसे घर पर भी फोन किया लेकिन वो वहां भी नहीं है। दादी, मुझे बहुत डर लग रहा है। माफ कीजिए दादी, मैं आप सबको इतना परेशान कर रही हूँ, लेकिन इच्छा ने हमसे ऐसी कौन सी बात छुपाई? इसके बारे में तुझे बताया उसने? नहीं दादी, वो तो इच्छा ही जानती है ना, और आप सब जानते हो कि इच्छा कितनी जज्बाती है। अगर उसने अपने साथ कुछ कर लिया तो? ना ना छोरा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू शांत रह। उसने हमसे कोई बात छुपाई है इसीलिए उसका मन उसे अंदर से खा रहा होगा। जैसे उसका मन शांत हो जाएगा वो वापस आ जाएगी। मने पूरा यकीन है कि इच्छा हम लोगों को छोड़कर नहीं जा सकती। ऐसा कौन सा राज हो सकता है जो इच्छा ने हमसे छुपाया होगा? कहीं वो राजकुमारी तो ना है? नहीं नहीं, उसके पापा से तो हम मिले ही हैं, वो तो किसी भी एंगल से मुझे महाराजा लग ही नहीं रहते। कहीं इच्छा किसी डाकू वाकू या गैंगस्टर फैमिली से तो ना है? हो भी सकता है, उसके पापा से तो हम मिले ही हैं, देखने में मुझे वो छोटे वोटे डाकू तो लग ही रहते। पुनर्जन्म, कहीं इच्छा कोई चुड़ैल वुड़ैल या भूत तो ना है? हो भी सकता है, उसके पापा से तो हम मिले ही थे। क्या चल रहा है सबल भैया? क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? तू बैठ ना, आराम से बैठ, बैठ 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 के बात करते हैं, बैठ बैठ।
हाँ एक बात बता मुझे, इच्छा ने कभी तुझे राजकुमारियों वाले तेवर दिखाए क्या? नहीं तो क्यों, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं दिखाया, कोई नहीं काट देते हैं इसको, कोई बात नहीं। मेरे को ये बता कि इच्छा को चाकू गन बंदूक चलाना आता है क्या? भैया आप ये क्या बोल रहे हैं, इच्छा कोई चोर डाकू है क्या जो उसे ये सब आता होगा? कोई बात नहीं फिर भी रख लेते हैं। और नहीं आता ना, कोई बात नहीं। तू मुझे ये बता, जब तू इच्छा के साथ कमरे में अकेला होता है ना रात को, तो इच्छा ने कभी तेरे साथ कुछ अजीब हरकतें की हैं क्या? मतलब अजीब अजीब आवाजें निकाली हैं क्या भूतों वाली? भैया मेरे को ज्यादा हो रहा है, अबे क्या बोल रहे हो? अरे तू समझ नहीं रहा बब्बल, पिक्चर ही नहीं देखता क्या तू? पिक्चरों में क्या दिखाते हैं, वो लड़की दिखती तो नॉर्मल लड़की जैसी है लेकिन असली में होती वो चुड़ैल है, भूत है। कहीं हमारी इच्छा भी भूत तो ना है? यार भैया कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो, इच्छा को भूत? इतने दिन वो हमारे साथ रही, कभी आपको ऐसा लगा कि वो भूत है? ओ, मुझे तो कभी भी नहीं लगा बब्बल, मैं तो बस अंदाजा लगा रहा था। सॉरी सॉरी बब्बल, तू बुरा मत मानना, वो क्या है ना, मैं तो बस अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि इच्छा के गायब होने की वजह क्या हो सकती है। अगर हमें वजह पता चल जाएगी तो इच्छा को ढूंढने में आसानी होगी ना। बब्बल इच्छा घर में नहीं है ना, मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूं यार। इच्छा, इच्छा हमारा प्लान काम कर रहा है। वो तो देख रही हूँ बब्बल जी, एक ओर खुशी हो रही है तो दूसरी ओर बुरा लग रहा है। क्यों? खुशी इस बात की कि सभी मुझे मिस कर रहे हैं, कितना प्यार करते हैं मुझसे, और बुरा इसलिए लग रहा है। जाओ तुम। अरे भाभी आइए ना। देवर जी इच्छा का कुछ पता चला, कहाँ है वो? हाँ भाभी मैं थोड़ी देर पहले गया था उसे ढूंढने के लिए लेकिन वो कहीं नहीं मिली। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी बेचारी, भूखी प्यासी। भाभी मेरा तो सर चकरा रहा है, कब से सोच रहा हूँ कि ऐसी क्या बात हो सकती है, इच्छा घर छोड़ के चली गई। अरे जो भी बात थी हमें एक बार बता देती, इच्छा से कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए हम तो उसे माफ कर देते, है ना भाभी? हाँ हाँ मैं भी जरूर माफ कर देती, हर किसी से गलती होती है और कोई भी गलती हमारे किसी अपने से बड़ी थोड़ी ना होती है। यही बात इच्छा को समझनी चाहिए। खैर भाभी आप टेंशन मत लीजिए, आप जाइए, मैं इच्छा को हर हाल में ढूंढ के लाऊंगा, ठीक है? आप जाइए। इच्छा भाभी गई। हाँ भाभी की राय तो जान ली, अब देखते हैं दादी क्या कहती। आज तो रामायण पढ़ने से भी मन को शांति नहीं मिल रही, ये इच्छा भी ना, अरे कोई बिना बताए घर छोड़कर जाता है कि? बबल वापस आ गया होगा, उससे पता करती हूँ कि उसे कुछ पता चला इच्छा का। नहीं ऐसा तो नहीं कि इच्छा ने बबल को सारा सच बता दिया और बबल हमसे छुपा रहा है। बबल से बात करनी ही पड़ेगी। ये अलमारी तो मैंने बंद की थी, फिर खुली कैसे रह गई? हे शिव जी हमारा दिमाग ही ठिकाने पर ना।
अच्छा हुआ छोरा तू आ गया, मैं थारे पास ही आ रही थी। क्यों दादी? इच्छा के बारे में पूछने। कुछ पता चला कि वो कहाँ है? नहीं दादी। ये क्या बात हो गई जो इच्छा घर छोड़कर गई? दादी हो सकता है कि, देखिए ना, हम सबने इच्छा पे इतना भरोसा किया है तो उसे लगा होगा कि अगर ये भरोसा टूट जाएगा तो शायद हमें तकलीफ होगी, इसलिए वो घर छोड़ के चली गई। बात चाहे जो भी हो, हमारा भरोसा तोड़ने की हो या कुछ और, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं इच्छा को किसी भी सच्चाई के साथ अपनाने के लिए तैयार हूँ। देख छोरा, वो इतनी अच्छी है, उसके लिए तो सारे गुनाह माफ। छोरा, बस तो किसी हाल में उसे घर वापस ले। जी दादी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ममता, मारा सर फटा जा रहा है, चाय लेके आ। ये चंचल भी ना जाने कौन से कोने में छुप के बैठी है। ममता, इच्छा, इच्छा, बब्बल जी, बब्बल जी, मुझे यहां से बाहर निकालिए, मेरा दम घुट रहा है। बब्बल जी। अच्छा तो सच में गायब हो गई। इच्छा, तो कोई दिखाई नहीं दे रही, क्या करूं, कैसे ढूंढूं उसे? कहीं कोई ऐसी जगह में तो नहीं फंस गई जो मुझे दिखाई ही नहीं दे रही। इससे पहले कि कोई और इच्छा को नागिन के रूप में देख ले, मुझे उसे ढूंढना होगा। लेकिन कैसे? घर के बाहर तो वो जाएगी नहीं, होगी तो यही कहीं। बब्बल, ये तूने अच्छा नहीं किया छोरे। क्या अच्छा नहीं किया पिताजी? तूने इच्छा से ऐसा क्या कहा कि वो घर छोड़कर चली गई, और वो भी बिना किसी को कुछ बताए? वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती? अरे हम भी उसके कुछ लगते हैं क्या? उसकी नजरों में हमारी कोई अहमियत नहीं? और तू तो उसे रोक सकता था ना ये घर छोड़कर जाने से। जब से वो गई है पूरा घर उदास है, उसके बिना कोई भी कुछ खा पी नहीं रहा। पिताजी, इच्छा का जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा झटका था, वो तो मुझे भी बताकर नहीं गई। अगर ऐसा होता तो क्या मैं उसे जाने देता? बब्बल, तू उसका पति है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना तुझसे कुछ बताए वो घर छोड़कर चली जाए। देख छोरे, मैं तुझे रात तक का समय देता हूँ, अगर इच्छा वापस नहीं आई तो। तो क्या पिताजी? तो तुझे भी ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। बात बता छोरे, क्या इच्छा तुझसे सचमुच कुछ बताकर नहीं गई? नहीं पिताजी। देख छोरे, अगर मुझे बाद में पता चला कि तुझे इस बारे में सब कुछ पहले से मालूम था तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरा ये बाप तुझसे जिंदगी भर बात नहीं करेगा, समझा? पिताजी तो धमकी देकर गए हैं।